अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर हो, आमीन सुम आमीन। इसी प्यारी से दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिल्ली के दही फुल्की, जो है बहुत ही मजे की, यमी, चटपटी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को जरूर बना के खिलाइएगा। और ऑब्वियसली जब आपको वो पसंद करेंगे इस रेसिपी को, तो आपको जरूर ये दाद भी मिलेगी, वाह वाह की। सो अपने प्यारों को ये छोटी छोटी खुशी देनी चाहिए वैसे। और अपनी जो घर की जो कुकिंग होती है वो बेस्ट होती है, बजाय इसके कि हम बाहर से कुछ मंगा के खाएं। और दही फुल्की जो है वो घर की हो तो वो बहुत मजे की, और स्पेशली जो है इसका नाम दिल्ली के दही फुल्की है। सो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जी अपनी दुआ में खास खास मुझे शामिल रखें, मेरी फैमिली को भी, अल्लाह ताला मुझे मेरी फैमिली को हर बुरी और बद नजर से बचा के रखे, और मेरे वेल विशर्स को भी। सो इसके साथ ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी बड़ी मज़ेदार, चटपटी और दमदार दिल्ली की दही फुल्कियाँ। और जी दमदार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं और आप इनसे फटाफट जो है ये चीज़ बना सकते हैं, दिल्ली की फेमस दही फुल्की। और जी इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स तो मैं बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि आपको जो है बेसन घर में होता है, आलू घर में होते हैं, चने भी होते हैं, और इसके अलावा दही भी होती है, धनिया भी होता है, तो ये सब चीज़ें घर में एक आम अवेलेबल होती हैं, ये स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती। सो बेसन आपको ले लेना है 2 कप स्मॉल वाले, अकॉर्डिंग टू योर इंग्रेडिएंट्स कि आप कितना ज़्यादा बना रहे हैं। तो मैंने तो 2 कप लिए थे और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के चने बॉईल करके रख लिए थे। और इसके साथ मैंने लिया था जी 2 टेबलस्पून शुगर और 1 टीस्पून आपको ज़ीरा चाहिए होगा, और 2 से 3 टेबलस्पून आपको चाट मसाला, और सॉल्ट हसबे जायका, और इमली का पल्प आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, और जो है चटनी, हरी चटनी चाहिए जो घर में आम यूज़ होती है वो भी आपको 3 टेबलस्पून, और सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी, अनियन चाहिए होगा, और हरा धनिया कटा हुआ। और ये चीज़ें आपको क्यों चाहिए होंगी वो आगे मैं बताती हूँ आपको। सो ऑब्वियसली दही भी आपको चाहिए, आप मैं नेस्ले की रवायती दही, एक जो हाफ इनकी हाफ के जी वाला जो होता है पैकेट वो यूज़ कर रही हूँ। और जी ये तकरीबन होता है 500 ग्राम, आधा किलो आप इसको कह सकते हैं, 450 ग्राम है जी, ठीक है ना, 500 ग्राम्स भी ले सकते हैं, 450 ग्राम्स भी ले सकते हैं, और जितना आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी इंग्रेडिएंट्स बढ़ाते जाएंगे। ये जी धनिया है, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको थोड़ा सा मतलब चॉप भी कर लिया था थोड़ा सा बारीक। अब मैं जी बेसन में धनिया डाल रही हूँ, और इसके बाद सब्ज़ मिर्चें जो थी 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकती हैं आप ले सकते हैं, और इसको जी आपने अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप कर लेना है, और वो भी बेसन में हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज कटी हुई, जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि ये किस लिए यूज़ होगी, तो अब मैं आपको बता रही हूँ, एक प्याज कटी हुई बारीक चॉप की हुई वो आपने डालनी है, और सॉल्ट इसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हसबे जायका आप इसमें नमक डाल दें, और इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा मीठा सोडा, और वो भी घर हर घर में मौजूद होता है मीठा सोडा, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, और इसको हम अच्छे से पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। और जी आप मुझे @m.ifashioncollection इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिए। और जी ये देखें ये एक बैटर तैयार हो गया, इसका यही आपने रखना है, ज़्यादा इसको ना पतला करना है ना गाढ़ा करना है। और ये जी मैंने दही ले लिया है, वो पैकेट जो था वो मैंने 450 ग्राम का पैकेट था दही का, वो मैंने बाउल में निकाली है, और उसमें थोड़ा सा मैं तकरीबन 1/2 कप मिल्क ऐड करूँगी, और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होंगी। इसको अच्छे से आप फेंट लें दही को दूध ऐड करने के बाद, अच्छे से मिक्स करें, मिक्स 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 मिक्स, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी शुगर,
शुगर हमने ली है जी 2 टेबलस्पून। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और जी अब अच्छे से आप इसको मिक्स करें। अब मैंने यहाँ पे लिटिल बिट सॉल्ट ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि यकजान हो जाए। और यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, जो कि मैंने नेशनल का चाट मसाला यूज़ किया है। मैं चाट मसाला जब भी डालती हूँ अपने घर में जो जार है बनाया हुआ स्पेशली, तो उसमें मैं थोड़ी सी टार्टरी भी डाल देती हूँ। ये जी ग्रीन चटनी मैंने बना के रखी हुई है तो वो मैंने ऐड कर दी है 2 टेबलस्पून। ये ग्रीन चटनी वही है जैसे हम आम घर में बनाते हैं। और ये जी इमली की जो पल्प है उसका जूस जो मैंने निकाला था पानी थोड़ा सा मिक्स करके, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। ये भी ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबलस्पून है। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये जी स्पेशली आप इसको बोल सकते हैं दिल्ली के चटपटे दही फुलकियाँ जी। तो अब इसमें ऐड हो रही हैं चिक पीस, बॉयल चने जो कि मैंने एक कटोरी भर के ली है और उसमें ऐड की है। इसको ऐड करने के बाद अब हम मेन जो फुलकियाँ हैं उसकी तरफ आएंगे और फुलकियाँ फ्राई करेंगे 1 by 1। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगी फ्राई होने के बाद, आपने बिल्कुल दरमियानी आंच पे इनको पकाना है। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगी, ज़्यादा आपने डार्क कलर भी नहीं करना इनका, और एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के आप इसको निकालते जाएंगे सारे। और जैसे ही सारी फुलकियाँ तैयार हो जाती हैं उस बैटर की, फिर हम डायरेक्ट इसको जो है दही जो आपने बैटर बनाया था, चटनी बनाई थी, उसमें हम 1 by 1 ऐड ऑन करते जाएंगे। अब आप इसको 1 by 1 ऐड करते जाएं और उसके बाद जो है इसको आप बहुत ही सॉफ्टली हल्के से इसको स्पून से मिक्स करते जाएं। यहाँ पे मैंने सारी फुलकियाँ जो हैं 1 by 1 डाल दी हैं। और इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 अदद बॉयल आलू, जिनके मैंने क्यूब्स कर लिए थे। आप भी चाहें तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मैंने इसको बघार भी लगाना है, जो कि ऑयल आप 2 टेबलस्पून लें, उसमें वाइट ज़ीरा डालें और उसको हल्का सा फ्राई कर लें या गोल्डन होने से पहले पहले आप उसको उतार लें और उसमें डाल दें। आपने बैटर बनाया है, फुलकियाँ डाली हैं, ये जी अब हम इसको एक किस्म का तड़का लगा रहे हैं। और फिर इसके बाद हम इसको ढांप देंगे एक प्लेट से कुछ देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए आपको एक प्लेट से कवर कर दें। और फिर उसके बाद आप इसको प्लेट हटा देंगे और इसको बड़े अच्छे से प्यार से नरम सॉफ्टली इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें जी मैंने कुछ पोटैटोस बॉयल पहले ऐड कर दिए थे और फिर कुछ बाद में किए थे तड़का लगाने के बाद, क्योंकि कुछ बॉयल्ड जो आलू होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं लोगों को। और ये जी मैं इसको सॉफ्टली जो है मिक्स कर रही हूँ। बॉयल आलू जो हैं वो लोग खाना पसंद करते हैं। और ये मैंने इसको गार्निश कर दिया है। फाइनल लुक इसकी आपके सामने है। बहुत इजी है, झटपट है, क्विक है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें अपने घर में और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करें। वो सपोर्ट यही है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना चैनल अच्छे से ग्रो करेगा। सो जाते जाते यही कहूँगी कि खुश रहें, खुश रहने दें और खुशियाँ बांटें, क्योंकि जो बांटेंगे वो लौट के आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।